गाइस वेलकम टू अनदर व्लॉग। और जैसे कि अभी अभी मेरे को न्यूज़ पता चली है कि निक ने ऑलरेडी 3-4 क्लिप जो है वो ले रखे हैं कमेंट वाले की, और उतनी ही मेरे को लेनी है लाइक 3-4। बट मेरे को ये नहीं पता कि जो क्लिप उसने लिए उनके रिएक्शन कैसे, वो यही रखा है। अमीर पार्टी आती हुई, मिस्टर मीगोज, देसी मीगोज मार रहा था अब निकल। आप इस तरीके से खाना खाते हो जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है? पार्ट टू क्यों निकला गाइस? दोबारा जाके देख लो, पार्ट टू अगर नहीं देखा साथ रहते तो गाइस अब तक हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है कम से कम, क्योंकि अगर हमें शूट भी करना होता है तो हमारे कम से कम 3 घंटे ऑलमोस्ट वेस्ट होते हैं। रेडी होना, घर से निकलना, इसको कॉल करना, इसको रेडी होना और इसको यहाँ पे टाइम से पहुँचना, सबको पता है कि कौन कितना टाइम से आता है। ठीक है, इस चीज़ के बारे में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आराम से बैठे अपनी पेप्सी चूस, ठीक है, ज़्यादा बातें मत। तो गाइस दैट्स इट, हम आज कमेंट कॉलिंग शूट कर रहे हैं। फाइनली रेखा इज हेयर और हमारा कैमरा भी आ चुका है एंड वी आर स्टार्टिंग द शूट। अभी हम सोच रहे हैं कि निक यहाँ पे बैठ जाएगा और मैं इस साइड से कुछ क्लिप ले सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे एरिया ठीक सा है। ये है एक इसका एक और भगोड़ा साथी 80,000 और 60,000 में मिला के लेके आए हैं। मेरे पार्ट से मैंने 5 पार्ट करे अपने कमेंट ट्रोलिंग के, ठीक है, जो मेरे वाले सीन्स थे वो मैंने कर लिए। निक और निक ने अपने सीन्स ऑलरेडी 3-4 दिन पहले कर लिए थे एंड करप्ट यूबर ने हमको अभी ज्वाइन किया। निक के साथ आर्ग्यू कर रहा है वो, निक उसकी अच्छी खासी ले रहा है, ठीक है। मेरा ये ड्रोन वाला आज मतलब इसको ना अभी तक भी यकीन नहीं था कि हाँ इतना सस्ता है, ठीक है। थर्ड पर्सन ही साला झूठ बोल के चला गया हमसे पूछ ही ला। ओके, सो राइट नाउ यू आर वाचिंग व्लॉग एंड आई एम मेकिंग अ व्लॉग, सो दैट मेक्स इट आई एम व्लॉगिंग इन अ व्लॉग and you are watching a vlog in a vlog, very confusing shit. So the thing is that हम लोग सोच रहे हैं कि अपने शॉपिंग के अच्छे भाई, सो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग दिल्ली दर्शन चालू करें, सो दैट कि हम दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा जगह जो है उनको एक्सप्लोर कर पाएँ, प्लस अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाएंगे तो न्यू टाइम लैप्स, नई नई जगह पे जाएंगे तो नए नए टाइम लैप्स और नए नए सिनेमेटोग्राफी, लाइक जो भी सीन्स हम दोनों को चाहिए वो अपने अपने वीडियो के रिलेटेड वो ले सकते हैं और इसी बहाने हम दिल्ली को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लोग दूरदर्शन ऑन करते हैं, हम दिल्ली दर्शन ऑन करें, कोई लड़की अगर पसंद आ रहा है
तो अभिषेक अत्री को फॉलो कर सकते हैं और उसकी उसकी प्रोफाइल के अंदर मेरे को ढूंढ लेना, मेरी फोटो होगी उसमें मैं टैग दूंगा, क्लिक ऑन माय नेम एंड डीएम मी। ओके, इतने लोग इंस्टाग्राम पे है ना, वो सारे के सारे अपनी स्टोरी के अंदर ना मेरी प्रोफाइल की स्क्रीनशॉट लेके अपनी स्टोरी में डालना और आस्क योर ऑडियंस टू फॉलो मी बिकॉज मेरे को फॉलोअर्स चाहिए इंस्टाग्राम पे। सो मेरे को लगता है कि फेक फॉलोअर्स खरीदने से इट्स बेटर टू आस्क माय ऑडियंस टू शेयर द इंस्टाग्राम प्रोफाइल विद अदर्स सो दैट मोर पीपल कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। क्या बात है, मैंने पहली बार इतनी ज़्यादा इंग्लिश बिना रुके। बर्गर किंग कौन खिला रहा है? आशना पार्टी ये ब्रो वही नहीं बस निकाल दो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ऑर्डर हम दे देंगे। एंड वी आर अगेन एट बर्गर किंग। पता नहीं मेरे को नहीं पता कि कौन पार्टी दे रहा, मैं तो नहीं दे रहा। Daniel, you are चुतिया। मैंने अभी अभी कोई बात सुनी, that was very चुतिया of you। तुझे रूट पसंद नहीं है? Snizer, चुतिया Snizer। ऑडियो क्वालिटी मैटर्स ब्रो, 3000 के माइक से भी आ जाती है। जिस टाइम पे हम हेडफोन्स लगा के शूट करो तो हम उस टाइम भी सेटिस्फाइड थे, बस बात ये थी कि ज़्यादा एडिटिंग में टाइम लगता। वी आर अगेन एट बर्गर किंग। दो बार दिखा चुका हूँ मैं ऑलरेडी ये चीज़ें। क्या भाई, मैं कोई टाटा अंबानी हूँ? मैं भी रतन टाटा हूँ, मेरे से पैसे मांग रहे सारे के सारे, मेरे पास क्या है? मैं मेरी उसको शूट कर रहे थे, मैं वापस खुद ही को शूट की। चलो फाइनली मेरे पास एक सबूत तो आया कि हमने को वापस भी मिल रहे हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले में और देख बहुत छोटे क्लिप है, लाइक जानने के लिए देखते रहिए। कल का डे और ऐड करूंगा, और जो लोग रेगुलर देख रहे हैं तो कल का दिन मे बी निक के घर पे मैं स्पेंड कर सकता हूँ। अगर निक के घर पे स्पेंड नहीं किया तो भी मैं शो में वीडियो बनाऊंगा। चलो बाय गाइस, चलो तू कुछ ही कर ले, मेरा तो नहीं जाएगा। बाय, तो ये तो साथ चल रहा है, हमारे पीछे आ रहा है आमीन फ्रॉम नजर बट्टू, लेट्स मीट देम। आमीन मतलब ऐसे तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये जरूर बोलूंगा कि आ रहे भाई साहब, देख लिया था मैंने। और भाई जी क्या हाल, क्या ब्लॉग ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है? सही है। What's up, bro?